नमस्कार, मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी कौन सी टिप है कि जो आपके रिश्ते आपके रिलेशनशिप अच्छे बना देगी। आइए, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। रिश्तों में हम लोगों को सुनते ही नहीं हैं। अच्छे रिश्ते बनाना है तो लोगों को सुनना होगा। उसको बोलते हैं एक्टिव हियरिंग, लिसनिंग जो है ना उसको बोलते, मतलब जब एक्टिव हियरिंग करते उसको बोलते लिसनिंग, मतलब सुनना। हम लोग सुनते कैसा है कि वो कब खत्म करेंगे और मैं कब बात करना चालू करूँ, मतलब वो कब खत्म हो जाएंगे, मेरे को बोलना है, उसने बंद करना चाहिए फिर मैं मेरा बोलना चालू करूँ, ऐसा सुनते हैं। मतलब वो क्या बोल रहा है वो सुनते नहीं। या फिर लोगों को बहुत ही पास से सुनते रहते, अतीत से सुनते रहते, मतलब ये है ना बहुत ही गुस्से वाला है, ये है ना बहुत ही अकड़ू है, ये तो ठीक बर्ताव करने वाला ही नहीं है, ये तो बहुत कंजूस है, पता नहीं ये कब क्या करेगा मालूम नहीं है, ये बहुत डोमिनेट करेगा, मतलब ऐसा लोगों को हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सुनते हैं, मतलब अपना उसके साथ में पास्ट का एक्सपीरियंस क्या है वहाँ सुनते हैं। तो सामने वाला बोलने के पहले हमारा उसके बारे में एक जजमेंट चालू हो जाता है, एक ओपिनियन चालू हो जाता है, एक असेसमेंट चालू हो जाता है, वहाँ से हम सुनते हैं। अब इसके बदले मैं भी आप जो बताने वाला हूँ वो करते हैं तो बहुत बढ़िया सुनना चालू हो जाएगा और रिश्ता भी अच्छा बनेगा। और वो है ऑब्जर्व, ऑब्जर्व एंड ऑब्जर्व। और ऑब्जर्व करना, इसका मतलब ऑब्जर्व करना मतलब देखना क्या बोल रहा है वो, प्रेजेंट रहना, बीइंग प्रेजेंट टू द प्रेजेंट, अभी वो क्या बोल रहा है, क्या नहीं बात कर रहा है वो, क्या नया बता रहा है, उसके ऊपर पूरा फोकस, पूरा अटेंशन, पूरा कॉन्सेंट्रेशन, और जो बोल रहा है वही सुनना है, बाकी कुछ सुनना नहीं है। इसका मतलब क्या है, वो बोल रहा है कि खाना खाया क्या, इसका मतलब है कि आपने खाना खाया क्या। एक सास अपने बहू को पूछती है, बहू तूने खाना खाया क्या, बहू क्या सुनती है, देखो सास है ना ताने मार रही है, आज क्यों प्यार से इतनी बात कर रही है, ये जो बात कर रही है बहू तूने खाना खाया क्या, इसका मतलब ये है कि वो कुछ तो भी मुझे उल्टा पुल्टा बोल रही है, कभी तो नहीं पूछती आज कैसा पूछ रही है, मतलब चल हो जाता है। उसने पूछा कि बहू तूने खाना खाया क्या, इतने पूछा है। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व एंड ऑब्जर्व, सिर्फ देखना और देखना और जो हो रहा है वो सुनना, ना कि अपने दिमाग से सुनना। फिर इसमें क्या होगा, इसमें हमारे कोई ओपिनियन नहीं आएंगे, हमारा कोई जजमेंट नहीं आएगा, हमारा कोई असेसमेंट नहीं आएगा, सिर्फ हम सुनेंगे। तो ये भी करते हैं तो डेफिनेटली आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि सामने वाले को ऐसा एहसास होगा कि नहीं ये व्यक्ति है ना मुझे सुन रहा है, और वो जब एहसास उसको आता है तब रिश्ते अच्छे होते हैं। काफ़ी बार हमारे पेशेंट्स ऐसा हमें पूछते हैं कि हमें सिल्डेनाफिल, मतलब वायग्रा, टैडालाफिल ऐसी एलोपैथी की दवाई नहीं होना और हमें आयुर्वेदिक चाहिए। तो मैंने स्पेशली यह ब्रांड बना के लिया हुआ है हॉट स्टेमिना, तो स्पेशली मैंने बोल के बना के लिया हुआ है कंपनी की तरफ से। ये कैप्सूल है, ये 10 कैप्सूल्स है और ये पूरा डब्बा मिलता है। तो इसमें मेनली जो है जो काम का है वो है गोल्ड है, इसमें गोल्ड मतलब सोना, शिलाजीत, मुसई, केसर एंड शुद्ध मकर ध्वज। ये हॉट स्टेमिना करके ये नाम से मिलता है। ये आपको ये चाहिए तो आप नीचे जो लिंक दी हुई है उसके ऊपर क्लिक करके आपका ये पैक आप ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, ताकत आएंगी, विगर, वाइटलिटी बढ़ेंगी, जोश, जुनून, उत्साह आएगा। थैंक यू वेरी मच।